नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 8 में। हमारी पहली इकाई में हमने अगले स्वाध्याय किया था। आज हमारा दूसरा प्रश्न है कि दिए गए भाव का आधार पर वाक्य पंक्तियाँ लिखे। हमने जो भी ये काव्य पंक्तियाँ को उसका भाव प्रकट किया था, तो यहाँ पे भी उसका भाव लिखा गया है। तो आपको काव्य में से वो कहानी को पंक्तियाँ कौन सी है वो आपको बताना है। हमारी पहला है कि हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। कैसे कि हे भगवान, तारी कृपा थी ते बधु शरीर ने बधु मने मळ्यु छे, प्राण मळ्या छे, तो तारी कृपा એટલે કે તમારી નજર હમ પર રખના। તો એસી કોન સી જો લાઈન હે વો હમારે કવિતા મે બતાઈ ગઈ હે, તો ઉસકા ઉત્તર હે કી તેરી રહેમત સે હમ સબ ને એ જિસ્મો જા પાયે હે। તો અપની નજર હમ પર રખના, કિસ હાલ મે હે યે ખબર રખના। યહી હે કી તેરી રહેમત સે હમ સબ ને એ જિસ્મો જા પાયે હે। તો અપની નજર હમ પર रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। ऐसा ही हमारा दूसरा भाव वाली पंक्ति है। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो इसका उत्तर है कि तेरी है जमी, तेरा आसमा, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। कैसे के बख्शिश यानी कि दया कर, हम पर अपनी नजर रख। ये संसार सारा का सारा जो संसार है वो तुम्हारा है, तुम ही सबसे बड़े हो, तो ये जमी ये आसमा ये सब तेरा है। तो ये हमारे भाव में से हमारी ये पंक्तियां थी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। हमें एक गाय के ऊपर से दो लाइनें बताई गई है, उसके ऊपर से हमें अपनी और दो लाइनें इसमें लिखनी है। तो है कि मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, ये दो लाइन हमको बताई गई है। आपको इससे और भी लाइन आती हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो उसमें हमने दो लाइन और लिखी है कि जो भी रख देखे खुश हो जाए ऐसी न्यारी मेरी गाय, कि जो भी देखे खुश हो जाए ऐसी न्यारी मेरी गाय। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर था। तो ऐसे ही मैंने अपने विचार से एक काव्य पंक्तियाँ पूर्ण की है। अगर आपको इसमें और भी काव्य पंक्तियाँ आपको आती हो जो हम गाय के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि गाय हमको दूध देती है, गाय का देखाव कैसा होता है, वो किस किस प्रकार की होती है, वो सब हम इस काव्य पंक्ति में अगर चाहे तो इसमें हम लिख सकते हैं। राम जी, हमारा एक और ऐसा प्रश्न था। ये क्या बताया गया है आप देख सकते हैं, ये कौन सा चित्र है? हाँ, सूर्य का। कौन सा चित्र है? सूर्य का, सूर्य देव का जो चित्र बताया गया है। तो ये भी आपको अपने हिसाब से सूर्य देवता के ऊपर आपको जो भी दो तीन चार लाइनें आती है इसके ऊपर से, जैसे ही हमने गाय वाली लाइन बनाई थी ऐसे ही आपको इस सूर्य के ऊपर से सूर्य देवता के पर हमें ये दो चार लाइनें लिखनी है। तो यही एक आपका होमवर्क है कि आप इसको सूर्य देवता के ऊपर अपने आप से जो भी लाइन आए वो आप लिख दीजिएगा। सूर्य देवता के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? तो कि सूर्य के बिना कहीं सवार नहीं होती, कहीं सांझ नहीं होती, हम उनके बगैर इस दुनिया में किसी का सवेरा नहीं होता, उनके बगैर जीना मुश्किल होता। ऐसे ही आपको अपने हिसाब से आपके मन में जो भी विचार आए और आप जो भी हम उनको धन्यवाद कह सकते हैं, ऐसी ऐसी लाइनें आपको बनाकर सूर्य देवता के ऊपर लिखने हैं। और ये प्रश्न दो और तीन है वो अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। थैंक यू।